शादबाग से तालिबा की एक वाहका वाकया। जराए के मुताबिक पुलिस ने मुखिया तालिबा को बाजियाब करा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने आईजी पंजाब को तालिबा की बाजियाबी के लिए 2 घंटे का वक्त दिया था। चीफ जस्टिस कुछ देर बाद केस की समाअत करेंगे। आईजी पंजाब और सीसीपीओ अदालत में मौजूद। शादबाग में मैट्रिक की तालिबा का अगवा। कार सवार अफराद ने भाई को यरगमाल बनाकर लड़की को अगवा किया। मुलजिमान ने मुजाहमत पर लड़की के भाई को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्ला मुलजिमान ईशा के भाई को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाते हैं और लड़की को गाड़ी में लेकर फरार हो गए। मुगविया की वालिदा का कहना है कि बेटी की बाजियाबी और मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा। पंजाब असम्बली का इजलास 6 जून 12:30 बजे तक मुलतवी। पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान ने सदारत की। इजलास 2:07 पर शुरू हुआ और 2:19 पर खत्म हो गया। इजलास पीपल्स पार्टी नून लीग के अरकान के बगैर ही शुरू किया गया। ऐवान में सिर्फ 26 अरकानी असम्बली मौजूद थे। स्पीकर असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास। नून लीग और पीटीआई अरकान को भी असम्बली में जाने की इजाजत न मिली। पंजाब असम्बली जाने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद किए गए। पुलिस की भारी नफरी सेक्रेटेरियट के अतराफ तायुनात रही। नून लीगी अरकान का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी गेट पर धरना दिया। असम्बली के बाहर नून लीग पीटीआई अरकान आमने सामने एक दूसरे पर इल्जाम नोक झोंक। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दोबारा जमा। नून लीग के अरकान ने असम्बली सेक्रेटेरियट में तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। अरकान असम्बली में खलील ताहिर सिंधु, मियां अब्दुर्रऊफ, शाजिया आबिद, समीउल्लाह खान शामिल। हमारी पहली तहरीक अदम एतमाद को गलत तौर से निमटाया गया। आज पार्लिमानी तारीख का एक और स्याह दिन था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद, ख्वाजा सलमान रफीक और मियां नसीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, परवेज इलाही अखलाकी, आईनी और कानूनी जवाब खो बैठे। असम्बली के दरवाजे बंद करके फस्तायत की नई मिसाल कायम की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने कहा, इत्तेहादी जमातें मिलकर अवाम और पार्लियामेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें परवेज इलाही को कस्टोडियन कहते हुए शर्म आती है। ये इमरान खान की थाली में भी छेद करेगा। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकन फैसल नियाजी मुस्ताफी हो गए। फैसल नियाजी ने स्पीकर पंजाब असम्बली को इस्तीफा दिया। फैसल नियाजी PP 209 खानेवाल से नून लीग के टिकट पर मुंतखब हुए थे। वजीर आला हमजा शहबाज की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के अरकान की शिरकत। वजीर आला हमजा शहबाज पर एतमाद की करारदाद मंजूर। करारदाद में गवर्नर की तायनाती को रोकने के गैर आइनी इकदाम की भी मजम्मत। करारदाद रुकन पंजाब असम्बली राना मशहूद अहमद ने पेश की। तमाम अरकान ने हाथ उठाकर करारदाद की तायीद की। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की PKLI का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। बोले, पत्थर दिल इमरान खान की वजह से अस्पताल के 3 साल जाया हुए। अस्पताल की अरबों रुपए की जदीद मशीनरी बंद पड़ी रही। नए पाकिस्तान की बात करने वाले ने आवाम को सब्सिडी नहीं दी। इमरान खान ने मुखालिफिन की किरदार खुशी के सिवा कोई काम नहीं किया। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेनेटर साजिद मीर, हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। VIP मूवमेंट की राह में अंधेरों का क्या काम। MCL का 20 मरकजी शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स दिन भर रोशन रखने का फैसला। लेस्को से बिजली की बिला तातुल सप्लाई की सदा कर दी गई। मॉल, फिरोजपुर, केनाल, जेल, गुलबर्ग, खयाबानी जना और दीगर सड़कों की लाइट्स के लिए बिजली फराहमी का मरासला भिजवाया गया। पंजाब पुलिस में तकरर तबादले। IG पंजाब ने 2 DSP तब्दील कर दिए। मोहम्मद राशिद मलिक को DSP बरकी, हाफिज माजिद को DSP बरकी से CPO रिपोर्ट का हुक्म दे दिया। रेवेन्यू केसेस की अपडेट को डैशबोर्ड पर अपलोड करने का फैसला। शहरी केसेस से मुतालिक मालूमात 1 क्लिक पर हासिल कर सकेंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का साइलिन को वीडियो लिंक की सहूलत मुहैया करने का फैसला।
बोर्ड मेंबर्स और रेवेन्यू ऑफिसर्स फैसलों पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर डेप्टी कमिश्नर जुबानी ऑर्डर नहीं सुना सकेंगे, तहरीरी फैसले जारी करना होंगे। रेवेन्यू ऑफिसर्स अबूरी ऑर्डर तहरीर करके टाइपिंग कराने के पाबंद होंगे। हज फ्लाइट ऑपरेशन का शेड्यूल जारी ना हो सका। पीआईए समेत प्राइवेट एयरलाइन का शेड्यूल जारी ना हो सका। हज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने में 10 दिन बाकी रह गए। 31 मई से ऑपरेशन मुतवक्के। हज फ्लाइट्स के किराए की भी मंजूरी नहीं दी गई। वजारत मजहबी अमूर का शेड्यूल ना मिलने पर एयरलाइंस को मुश्किलात का सामना। ओमान जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ओमान ने कोरोना से मुतालिक तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। कोरोना वायरस के बाइस दो साल से ओमान में सख्त पाबंदियां आयद की गई थी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात। तरीन ग्रुप के अरकान से मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगु। अरकान को डी सीट करने के फैसले को चैलेंज करने पर मुशावरत। उधर वजीर आला हमजा शहबाज से साबिक रुकन असम्बली ख्वाजा निजामुल महमूद की मुलाकात। ख्वाजा निजामुल महमूद का साथियों समेत नून लीग में शमूलियत का ऐलान। नाइजीरिया के टीचिंग अस्पताल में तिब्बी अमले की तरबियत के लिए यूएचएस को ग्रांट जारी। इस्लामी तरक्याती बैंक ने नाइजीरियन हुकूमत की दरख्वास्त पर 49,000 अमरीकी डॉलर्स की ग्रांट जारी की। वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं अफगानिस्तान में भी टेली मेडिसिन के जरिए डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की तरबियत कर रहे हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेरे अहतमाम 5वां सालाना एलुमिनाई इजलास। प्रोफेसर महमूद अली मलिक, डॉक्टर आसिफ महमूद जा, प्रोफेसर आमिर अजीज, डॉक्टर जाहिद परवेज, प्रोफेसर मसूद तारिक और प्रोफेसर मोहम्मद असगर बट की शिरकत। शोबाए तिब में मिसाली खिदमात पर प्रोफेसर अख्तर सुहेल चौकताई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली की रस्म कुल। बैरिस्टर सरदार मोहम्मद अली, साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी, मियाँ आता मानिका अहमद परवेज मलिक, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान की शिरकत। राणा सिकंदर हयात खान, डॉक्टर अजीमुद्दीन और राजा यासिर हुमायूं समेत दीगर शरीक हुए। अफजल चौधरी की तसनीफ नारोवाल के अरस्तू की तकरीब रोनमाई। मुन्नू भाई फाउंडेशन के जेर अहतमाम तकरीब रोनमाई का अहतमाम किया गया। सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी, मारूफ अदाकार राशिद महमूद, कॉमेडियन खालिद डार, मंसूर आफाक, शुजात अहमद, यासीन खान की शिरकत। तकरीब में कॉलम निगार मजहर बडलास, शहबाज मियाँ, महमूद खालिद भट्ट, शुएब बिन अजीज, अब्दुल्ला मलिक और दीगर की शिरकत। रुस्तम जमां गामा पहलवान की आज 144वीं सालगिरह। गूगल ने अपने डूडल पर गामा पहलवान की तस्वीर लगा दी। गुलाम हुसैन अलमारूफ गामा पहलवान 22 मई 1878 को अमृतसर में पैदा हुए थे। लाहौर इस क्लब में छुट्टी के रोज 6 घुट दौड़ों का इनका। न्याजी प्रिंस, लाहीफ, सोजू क्वीन, लाली दीजान, गोंदल गिफ्ट और तितला प्रिंस ने अपनी अपनी रेसेस जीत ली। हॉर्स रेस में खवातीन जोकीज ने भी हिस्सा लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कौन इन कौन आउट। कौमी सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत मुकम्मल। लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज की वापसी यकीनी। नायब कप्तान शादाब खान भी एक्शन में दिखाई देंगे। कैरिबियन के खिलाफ कल वनडे स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कोरियन एम्बेसडर कौमी ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए टीम के ट्रायल्स मुकम्मल। ट्रायल्स में सूबे भर से 80 लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। मुंतखब खिलाड़ियों का तरबियती कैंप लगाया जाएगा। हमारा अव्वलीन टारगेट ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर का अज़्म।